Hey guys, welcome back to High Flyer. আমি শ্যাম, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ আমরা যে ভিডিওটা দেখব সেটা একটা তুলনামূলক ভিডিও, এবং এই ভিডিওটা স্পেশালি মানে পাকিস্তানে করা হয়েছে, এবং টাইটেলটা হচ্ছে হোয়াট পাকিস্তানি পিপল থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশ আর্মি। তো বাংলাদেশ আর্মি সম্পর্কে পাকিস্তানের মানুষদের কী ধারণা রয়েছে সেটার সম্বন্ধে আজকে ভিডিও, এবং দেখতে চাই যে সেখানে মানুষ কি বলে বাংলাদেশ আর্মি সম্পর্কে। এবং তুলনামূলক ভিডিও এই জন্যই বললাম, আমার মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ আর্মির সাথে অন্য আর্মিরও একটা কম্বিনেশন এখানে দেখানো হবে, এবং সেখানে থেকে তুলে ধরতে বলা হবে যে কোনটা বেটার বা কী আলাপ আলোচনা রয়েছে, সব কিছুই জানা যাবে। যাই হোক, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো, সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই, তারপর আরও কথা হবে। বাংলাদেশ কী? বাংলাদেশ কী ইসকে বারে? আর ইয়ে ফ্ল্যাগ আপকো কিস কান্ট্রি কা লাগ রহা হ্যায়? फ्लैग मैंने देखा ही पहली दफा है। अच्छा, इन्होंने पहली दफा ही फ्लैग देखा है। और ये वाला फ्लैग किस कंट्री का है? इसको तो सब भी जानते हैं, बांग्लादेश का ही है। इसमें से आपको कौन सी आर्मी डिसिप्लिन वाली लगती है, बांग्लादेश की है ये इस कंट्री की? बांग्लादेश की। अच्छा, आपको ये वाली अच्छी लग रही है? बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है जी। यहाँ पे ऑडियंस भी खड़ी है, उनको भी ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और अच्छी लग रही है। इनका डिसिप्लिन वगैरह आपको पसंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज रिहान, वेलकम टू रिहान क्रिएशन। फ्रेंड, आज मेरे पास है बांग्लादेश आर्मी की पिक्चर, और ये साथ है म्यांमार आर्मी की पिक्चर, और इसी तरह इन दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग भी हैं। तो आज मैं पाकिस्तानी पीपल के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इन दोनों आर्मीज़ में से बांग्लादेश की आर्मी ज़्यादा बेस्ट है कि म्यांमार की, और अगर इन दोनों के दरमियान वार होती है तो पाकिस्तान आर्मी किस कंट्री का साथ देगी। तो देखते हैं आज पाकिस्तानी लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, आइए चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपने मुझे बताना है कि किन की पिक्चर्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताएं ये आपको किन आर्मी की पिक्चर लग रही है? थोड़ा सा हिंट तो देना। हिंट मैं आप कंट्री के नाम बता देता हूं। एक सेकंड। बांग्लादेश। बांग्लादेश की? बांग्लादेश की, क्योंकि मैंने एक बार मूवी देखी थी ऐसी, तो उसमें सेम ना इसी तरह की आर्मी थी, तो ये बांग्लादेश। वाह, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। मुझे तो अपने कंट्री की। आपको अपने कंट्री की लग रही है? आई थिंक सो बांग्लादेश। बिल्कुल आपने सही। अच्छा, आपने कैसे पहचाना कि बांग्लादेश की है आर्मी की पिक्चर? जो बांग्लादेश की और आर्मी की ना काफ़ी चीज़ें मैच होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा आइडिया गैस मारा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बांग्लादेश बांग्लादेश आर्मी की लग रही है। मुझे सच कोई आइडिया नहीं है वैसे, आप खुद ही बता दें। हाँ जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश की लग रही है। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये किन आर्मी की पिक्चर लग रही है, ये वाली? मुझे आइडिया नहीं है वैसे। इसका आइडिया नहीं है? ये मुझे याद है लेकिन ना जहन में नहीं आ रहा। एम से उस कंट्री का नाम शुरू होता है। एम आर एम, इसी तरह का एम नाम सही बता रही है, फिर भी कोशिश करें। एम आर आर्मी म्यांमार तो नहीं? म्यांमार, हाँ वही। बिल्कुल, ये भी इन्होंने ठीक ही आंसर दिया। आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता, ये स्टार देख के भी नहीं आप नहीं। अच्छा, इसके बारे में। और ये फ्लैग आपको किस कंट्री का लग रहा है? फ्लैग मैंने देखा ही पहली दफा है। अच्छा, इन्होंने पहली दफा ही फ्लैग देखा है। और ये वाला फ्लैग किस कंट्री का है? इसको तो सब भी जानते हैं, बांग्लादेश का ही है। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं म्यांमार ज्यादा डेवलप्ड कंट्री लगती है कि बांग्लादेश आपको? मुझे बांग्लादेश लगती है। बांग्लादेश? हाँ बांग्लादेश। उसकी क्या वजह? वजह कुछ नहीं, बस वैसे अट्रैक्टिव करती है मुझे इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। आपको क्या लगता है अगर बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान वार होती है तो पाकिस्तान आर्मी किसका साथ देगी? इंडिया? नहीं, इंडिया को तो नहीं है। श्रीलंका? नहीं नहीं नहीं, ये म्यांमार का फ्लैग है, आपने सुना होगा उनके बारे में। सर मैं पढ़ती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं। आपने पढ़ना था ना थोड़ा सा। अच्छा, ये किस कंट्री का फ्लैग है? बांग्लादेश। जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश का ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश की आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? बांग्लादेश की हर चीज़ ही अच्छी है। अच्छा जी, ये बहुत क्यूट सी एक बहना है, तो इनके पास मैं जाता हूँ और सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, मैं इनसे छोटा हो जाता हूँ। अच्छा, आप बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी एज है 20। माशाल्लाह, 20 एज है।
अच्छा तो मेरे पास कुछ पिक्चर है, तो आपने गैस करनी है कि कौन सी कंट्री की पिक्चर है और ये कौन है ये, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस पर गौर से देखेंगे आपको किन की आर्मी लग रही है ये। एक मिनट, ये बांग्लादेश की आर्मी की लग रही है। और ये फ्लैग किस कंट्री का लग रहा है? बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश का। और ये वाली कौन सी आर्मी की आपको पिक्चर लग रही है? ये इसका नहीं मुझे पता क्या है, कौन सी है ये। अच्छा, इसका आपको नहीं पता। और इसी तरह इस फ्लैग का भी नहीं पता आपको? नहीं, इसका भी नहीं मुझे पता। अच्छा ठीक है, नहीं पता। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको बांग्लादेश कंट्री डेवलप लगती है या एक म्यांमार कंट्री है आपने सुना होगा वो आपको डेवलप लगती है? बांग्लादेश भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरी अपनी भी वहाँ पे फैमिली है बांग्लादेश। अच्छा, जी जी, बांग्लादेश की फैमिली है? है। कौन सी सिटी में है? पता नहीं, अभी काफ़ी देर थे, अब नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो आप बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? बांग्लादेश को क्या मैसेज दूँ मैं? कोई फ्रेंडली मैसेज दे दें या कोई फनी बात कर दें। फनी क्या बात करूँ मैं आप लोगों से? कुछ भी। आपको बांग्लादेश कंट्री कैसे लगते हैं, लोग कैसे लगते हैं? बोलते हैं बांग्लादेशी में उनकी टॉकिंग और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आपको उनकी टॉकिंग स्टाइल पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है, अच्छा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आपको बांग्लादेश ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री लगती है कि म्यांमार? बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्या वजह है? उसकी इन्वायरमेंट अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसके अलावा वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, कैसे इस तरह लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप म्यांमार कंट्री को सपोर्ट करना पसंद करेंगे या बांग्लादेश को? बांग्लादेश को। अच्छा, उसकी क्या वजह है, बांग्लादेश को क्यों? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, कहा जाए मशरकी और मगरबी पाकिस्तान थे, तो इसी वजह से ना कहीं कहीं हम आपस में भाई भाई हैं, तो इसी वजह से बांग्लादेश को ही। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में कोई फनी सा कोई बात कह दें या कोई आपको अच्छी लगती हो कोई चीज़ उनकी? बांग्लादेश मुझे उनके ये अच्छे लगते हैं जो मच्छी हर टाइम खाते रहते ना, मच्छी 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 मच्छी, वो उनका मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो आपको उनका मछली खाना बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। तो आप भी खाती है मछली, फिश? खाते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से खाते हैं, उनका डी और तरीका होता है, बड़ा खाते रहते हैं, अलग अलग तरीके से खाते रहते हैं वो लोग, हर वक्त खाते हैं, हम तो कभी कभी खाते हैं, सर्दियाँ फिर खाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बहना थी, इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मुझे इंडिया का लग रहा है। इंडिया का फ्लैग लग रहा है? हाँ। ओह अच्छा, इंडिया का आपको कैसे ये फ्लैग लग रहा है? बस वैसे उसके कलर देख के। कलर देख के वाकई में ये इनको इंडिया का फ्लैग लग रहा है, यानी कि आपको लग सकता है कि ये बांग्लादेश का एनिमी हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगा जैसे इंडिया का है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो दो पिक्चर्स हैं आर्मी की, एक ये और एक ये, इसमें से आपको कौन सी आर्मी डिसिप्लिन वाली लगती है, बांग्लादेश की या ये इस कंट्री की? बांग्लादेश की, ऑब्वियसली। अच्छा, यानी कि ये वाली आर्मी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? हाँ, वो दिखने में भी अच्छी लग रही है, लाइक उनका वो यूनिफॉर्म और उनका वो सारा स्टाइल बहुत मज़े का लग रहा है, अट्रैक्टिव सा है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि म्यांमार कंट्री है और बांग्लादेश एक कंट्री है, उसमें से आपको क्या लगता है डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप कंट्री कौन सी वाली आपको लगती है? आई थिंक बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कोई आपको ख़ास चीज़ अच्छी लगती हो? बांग्लादेशियों का लिविंग स्टाइल, उनका उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका लिबास, आई थिंक मुझे अच्छा लगता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, आप कोई बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहेंगी? बांग्लादेश के लोगों को मैसेज ये कि खुश रहें, आबाद रहें, और पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तानी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको ये दो आर्मी की पिक्चर दिखाता हूँ, गौर से आपने देखनी है, और अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों आर्मी में से स्ट्रॉन्ग आर्मी कौन सी लग रही है? ये वाली अच्छी लग रही है। अच्छा, आपको ये वाली अच्छी लग रही है? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है जी। यहाँ पे ऑडियंस भी खड़ी है, उनको भी ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और अच्छी लग रही है। इनका डिसिप्लिन वगैरह आपको पसंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है। রিহান ক্রিয়েশনের যে ভিডিওটা আমরা দেখলাম সেখানে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার, যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে একটা রয়েছে কিছু একটা যে তুলনামূলক একটা ভিডিও, সেখানে মায়ানমার ছিল এবং বাংলাদেশ ছিল, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের যে ভালোবাসা, মানুষদের ভালোবাসা, সেটা কিন্তু দেখা গেল, এবং সেখানে অনেকে বুঝতে পেরে গিয়েছে যে এটা কাদের আর্মি, ঠিক আছে। এবং মায়ানমার তো স্বাভাবিকভাবেই আমার এইটুকুই ছিল যে মায়ানমারের সেনা এবং পথ পতাকা দুটোই চিনতে পারবে না, এবং হয়েছেও তাই, তারা চিনতেও পারেনি, ইভেন অনেকেই চিনতে পারবে না মায়ানমারের পতাকা। তো এখানে বাংলাদেশের যে আর্মির কথা
বলা হলো এবং সেখানকার মানুষ অনেক ভালো ভালো কথা বললো এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে অনেক ভালো তাদের কি বলবো অভিজ্ঞতা বা যাই হোক যেটাই হোক রয়েছে এবং তারা সবসময় বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে কথা বলে আর সাথে এখানে কোনো মানে খুব বেশি যে ভিডিওতে অনেক কিছু ছিল সেরকম নয় অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল আমার মনে হলো ভিডিওটাতে খুবই অল্প কিছু ইন্টারভিউয়ে কোশ্চেন ছিল যেগুলো খুবই পাতি আমার মনে হয় আরও বেশি ভালো করে ইন্টারভিউ করা যেত সেখানে আরও অনেক রকমের প্রশ্ন হতে পারতো শুধু জাস্ট পতাকা চেনো কি না এবং সাথে সাথে এটা কোন আর্মি এবং কে ডেভেলপ বেশি এই এই তিনটের উপরে ঘোরাঘুরি করেছে এবং আমার মনে হয় অর্ধেকের বেশি মানে যতজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তারা মায়ানমার সম্পর্কে জানেই না তারা মায়ানমার সম্পর্কে কোনো তথ্যই তাদের কাছে নেই এবং মায়ানমারটা যে কোথায় সেটাও তারা জানে না সুতরাং আমার মনে হয়নি যে এর থেকে আমার মনে হয় ভালো হতো যদি বাংলাদেশ সম্পর্কেই তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হতো এবং তাদের সম্পর্কে আরও জানা যেত এবং ভালো লাগতো ভিডিওটা সেখানে যে বাংলাদেশের লাইফস্টাইলে কী কী ভালো লাগে এবং কে মানে কাকে কাকে চেনো এই ধরনের অনেক প্রশ্ন আছে যে সেলিব্রিটি কাউকে চেনা আছে কি না এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে কী ধারণা বাংলাদেশ পাকিস্তানের অর্থনীতি যে মানে একটা বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে যেটা আগে বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল এবং পাকি মানে এখন বাংলাদেশ এগিয়ে গিয়েছে সেই ধরনের কোশ্চেন মানে সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন করা যেত সাথে সাথে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী কে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারতো কিন্তু এইটা একদম মানে জাস্ট তিনটেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করেছে আরও বেশি অনেক প্রশ্ন থাকলে অনেকটা ভালো লাগতো ভিডিওটা তো যাই হোক যেটুকুই আমরা দেখলাম জানতে পারলাম এবং আরও আশা করি এই ধরনের ভিডিও রয়েছে এবং তোমরা সেগুলো আমাকে সাজেস্ট করবে এবং আমিও সেগুলো নিয়ে আসবো আজকের ভিডিও কেমন লেগেছে জানিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে জানিয়ে লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন্ড।